गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तरफ। तो आप सभी को दिखाते हैं किस तरह आप यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है और हॉस्टल दिखने में कैसा है और क्या क्या फैसिलिटी है। तो आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है डिटेल्स में तो ये वीडियो देख लीजिए, और किसी को रेफ़र करना है वीडियो तो शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है। तो चलिए यूनिवर्सिटी के अंदर लेके चलते हैं आप सभी को। तो दोस्तों, ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बैक साइड वाला गेट। तो अगर आप गुवाहाटी एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हो या 7 माइल एक जगह है वहाँ से अगर आ रहे हो तो ये गेट पहले आप सभी को मिलेगा। तो ये गेट में हमेशा आपको गार्ड मिलेगा 24/7। तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। तो मैं सुबह के वक्त में यहाँ एंटर किया था बाइसिकल लेकर। तो देखिए आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है पहला डिपार्टमेंट जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा, ये है डिपार्टमेंट ऑफ बोडो। और इसी के पास एक छोटा सा पार्क जिसका नाम है टिखोर पार्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ में हमारे वन हॉर्न राइनो जी विराजमान है। तो आपको इस पार्क के अंदर भी लेके जाएंगे, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो देख लीजिए वन हॉर्न राइनो, और एंट्री है ये गेट से। तो ये पार्क पार करते ही हमें मिलेगा एक डिपार्टमेंट जो कि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये डिपार्टमेंट का स्टडी करना पड़ता है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये देख सकते हो, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद यहाँ से जाते ही यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर हो तो अच्छा है, आप ज़्यादा स्पीड से जा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर रास्ता खाली होता है ना तो यूनिवर्सिटी का तो बहुत स्पीड से आते हैं गाड़ी, तो एक्सीडेंट की चांसेस होती है। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, तीन डिपार्टमेंट एक साथ है। आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ एक ही बिल्डिंग में है। और यहाँ से निकलते ही अभी आप सभी को सब डिटेल्स में बताऊंगा अभी मैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी से निकलते ही आपके ऑपोजिट में एक बिल्डिंग मिलेगा। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा है बिल्डिंग, और ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। सो ये बिल्डिंग है, और इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर हॉस्टल्स है, अंदर में बहुत सारे हॉस्टल्स है, आप सभी को दिखाता हूँ। तो मैं एक एक जगह आप सभी को लेके जाऊंगा, हॉस्टल्स की तरफ लेके चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स के पीछे ही और एक डिपार्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो मेन गेट है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन का, और यहाँ पर एक क्वार्टर है जो कि वार्डन का है, हॉस्टल वार्डन का, क्योंकि आप सभी को दिखाता हूँ मैं हॉस्टल। सो ये यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड पड़ता है, बैक साइड में एक क्लस्टर है हॉस्टल का, तो उसी क्लस्टर में ये पहला हॉस्टल है जिसका नाम है 84। एक्चुअली रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट रहते हैं सब रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं यूनिवर्सिटी में।
PhD करते हैं बेसिकली, तो PhD वाले स्टूडेंट यहाँ रहते हैं। और नेक्स्ट जो क्लस्टर का सेकंड हॉस्टल है, इसका नाम है 85 बॉयज़ हॉस्टल, और यहाँ पर PG स्टूडेंट और BTech अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हैं, PG स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम है RCC 5 बॉयज़ हॉस्टल, ये भी रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल है, ये बहुत फेमस है, देख लीजिए। और इसी के पास एक टी स्टॉल है, देख सकते हैं, DTP जेरोक्स, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर का बहुत ज़रूरी होता है ये DTP और जेरोक्स का। तो नज़ारा आप इस तरह का देख सकते हैं, ग्रीनरी है, सब यूनिवर्सिटी में ग्रीनरी होता ही है, तो यहाँ भी है। और ये है 86 बॉयज़ हॉल, देख सकते हैं। 86 मतलब क्या, मैं बता देता हूँ, 80 मतलब हॉल आसाम टाइप। तो आसाम में एक घर का डिज़ाइन है जो बेसिकली RCC टाइप ही होता है, बट आपका ग्राउंड फ्लोर ही रहता है और उसके ऊपर टीन का छत होता है। तो नेक्स्ट हॉस्टल आता है आपका RCC 3 बॉयज़ हॉस्टल, तो ये बहुत बड़ा है और ये सुंदर भी है, देख सकते हैं, ये गार्डन हॉस्टल का ही गार्डन है। तो RCC 3 बॉयज़ हॉस्टल कितना सुंदर है, देखिए इतना ज़्यादा पेड़ पौधा है कि आपको हॉस्टल का मेन गेट भी नहीं दिख रहा। तो ये देख सकते हैं RCC 3 बॉयज़ हॉस्टल, 4 बॉयज़ हॉस्टल सॉरी। सो RCC 4 के बाद एक्चुअली नेक्स्ट हॉस्टल जो कि आता है RCC 3 बॉयज़ हॉस्टल। सो ये है RCC 3 बॉयज़ हॉस्टल, देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ में सीट का कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और लास्ट हॉस्टल इज 87 बॉयज़ हॉल। निकलते हैं यहाँ से, तो हमने अभी देखा 87 बॉयज़ हॉस्टल। और एक बात है कि हॉस्टल के पास में ही वार्डन का वो जो क्वार्टर अलॉट किया जाता है वो देखने को मिल जाएगा, और हॉस्टल के बाहर ही यहाँ बस स्टैंड है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का अपना बस होता है, अभी तो यहाँ नहीं है, बट यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर बस स्टैंड लिखा हुआ है। तो ये है बस स्टैंड, यहाँ पर 6 से 7 यूनिवर्सिटी का बस आता है, और यहाँ एक छोटा सा दुकान है जहाँ पर आपको मैगी मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगा, फास्ट फूड मिल जाएगा, चाय वाय मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर हॉस्टल से पढ़ के थक जाओगे तो हॉस्टल से निकल कर यहाँ पर रिफ़्रेश हो सकते हो। तो देखिए पेड़ पौधों का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी का बैक साइड, जहाँ बैक साइड में आपका हॉस्टल का क्लस्टर आप सभी को मैंने दिखा दिया। अंदर और भी जगह है बट मुझे अभी अंदर जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ देख सकते हो ये रास्ता जा रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप सभी को, तो यहाँ पर कभी कभी बाघ निकलते हैं, सही में बाघ निकलते हैं, क्योंकि पीछे ही आपका पहाड़ है और वो रिज़र्व फॉरेस्ट है, आप पेड़ पौधा नहीं काट सकते, तो ग्रीनरी है और आपका हरिन भी मिलता है, तो ये सब हर्बीवोरस बोलते हैं हम, हर्बीवोरस एनिमल, हरिन वरिन रहेगा तो बाघ भी रहेगा। तो अंदर रात को एक और एकदम सुबह जाना रिस्की है, दोस्तों के साथ जाइए कोई बात नहीं, बट अकेले मत जाइए, क्योंकि कोई फिर आपको आपके पीछे आ गया आप दौड़ दौड़ के पागल हो जाओ। चलिए
आप सभी को आगे लेके जाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है दोस्तों, आप सभी वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और एडिट करने में। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका एक आपकी तरफ से एक एफर्ट हो हमें आगे ले जाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वही काफ़ी है हमारे लिए, और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी नीडफुल है, जिसको यूनिवर्सिटी के बारे जानना है या जो भी, या जो अभी डिग्री कर रहा है एंड ही वांट्स टू डू MSc, MA, MCom इन हिज फ्यूचर, तो उन्हें शेयर कर दीजिए। तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो आप सभी को पता है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के पास ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, एक ही बिल्डिंग है। और उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ख़त्म होने के बाद आपको राइट साइड में जस्ट अपोजिट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मिलेगा। ये देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, और इस डिपार्टमेंट के पास ही सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा है। देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है भाई, यूकलिप्टस का इतना सारा पेड़ है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ख़त्म होते ही, जो कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है, जो कि स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो है लाइब्रेरी। तो ये है लाइब्रेरी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का। और ये लाइब्रेरी का नाम क्या है, के हेंडिक लाइब्रेरी, ओके। तो देख ही सकते हो लाइब्रेरी ऐसा है। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आपको ICHR का भी एक सेंटर मिल जाएगा। लाइब्रेरी से निकलते ही आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, वो एक बिल्डिंग में होता है, वो बिल्डिंग का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो आप सभी को कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, आपके सर्टिफिकेट रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, फेलोशिप रिलेटेड, सब काम उसी बिल्डिंग में होता है। तो उस वो बिल्डिंग को आप दिखा देंगे, हम आप सभी को दिखा देंगे हम। और लाइब्रेरी के पास में ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ये देख सकते हो, ये है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ये बिल्डिंग। तो यहाँ में LLB नहीं होता, LLM होता है, मास्टर्स इन लॉ। तो और यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको SBI का ATM मिल जाएगा एक, और यहाँ में PNB का एक ATM मिल जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये दो ATM तो दिखता ही है। और देखिए स्पीड ब्रेकर कहाँ कहाँ नहीं है। और ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। देख सकते हो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। आपको कोई भी ऑफिशियल काम है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आपको यही बिल्डिंग में आना पड़ेगा। इस बिल्डिंग का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो इसी में ही आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और इसी के पास में दो हॉल्स है जहाँ पर सेमिनार होते हैं या प्रोग्राम होते हैं। तो एक हॉल का नाम है, ये है हॉल 80 हॉल, आसाम टाइप सेमिनार हॉल।
और ये है आपका पीडी हॉल। तो पीडी हॉल एटी हॉल से थोड़ा सा बड़ा है और पीडी हॉल का नाम है फोनीदर दत्ता सेमिनार हॉल, ये देख सकते हो। और उसके पास ही कुछ ऑफिस है आईक्यूएसी का, आईक्यूएसी आप सभी को पता ही है। ये है GUIUMS। अभी ये डिसफंक्शनल हो गया है बिल्डिंग, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो उठा दिया गया है। और ये सब छोटे मोटे आपके ऑफिस ही है। और ये है, यहाँ पर आपको रिसिप रिसिप मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो बेसिकली आपको जितना ऑफिशियल काम है ना, यहीं पर होता है, ये बिल्डिंग में होता है। तो लेके चलते हैं कहीं और, आप सभी को कैंटीन दिखाते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आप सभी को। तो ये कैंटीन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका नाम तो वैसे GU कैंटीन है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंटीन है, क्योंकि पहले जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मेन गेट था वो एक्चुअली अंदर में ही था, जो कि मैं दिखा दूंगा अभी आप सभी को। तो उसी के ऑपोजिट में वो एक कैंटीन है, तो वो कैंटीन दिखा देते हैं आप सभी को। और आप सभी को एक बात भी बोलता हूँ मैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर एक मार्केट प्लेस है, तो वो मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे, तो वो भी दिखाता हूँ। ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मेन गेट, जो कि बहुत पहले बनाया गया था। तो यही था आपका मेन गेट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का। गेट से निकलते ही आपको एक कैंटीन मिल जाता है, जहाँ पर खाना फास्ट फूड मिल जाता है और चाय वाय मिल जाता है और मिठाई मिल जाती है। वैसे पैकेट वाला चीज़ नहीं मिलता कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। तो ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंटीन, ये आप देख सकते हो। तो GU कैंटीन है ये, तो GU कैंटीन इसका और एक नाम है। और ये है सर्विस बुक स्टॉल, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर के और बुक्स मिल जाएगी। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही खुश हो जाएंगे वो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जिमनेशियम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर टाइकेंडो सीख रहे हैं। ये है इंडोर स्टेडियम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, ये है इंडोर स्टेडियम। और ये है जिमनेशियम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, अभी तो बंद है क्योंकि आज हॉलीडे है, इसलिए आज तो बंद है। जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का फील्ड है वो कोई और वीडियो में दिखा देंगे, मगर देख सकते हो। और ये है डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर NSS का ऑफिस, NSS नेशनल सर्विस स्कीम का ऑफिस। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जो कि और डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी है, इग्नो का सेंटर है एक्चुअली। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश है। तो आप यहाँ में डिस्टेंस में भी पढ़ सकते हो, जो कि वर्किंग पर्सन होंगे उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये है आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के मेन गेट में रुकने वाली बस स्टैंड, ये भी एक बस स्टैंड है, यहाँ पर बस रुकती है। ओके, सो
डिस्टेंस लर्निंग के लिए यहाँ और एक आपका इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का अंडर में ही है, प्योरली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ही है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस में लर्निंग जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ख्याल रखते हैं, तो इसके लिए आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आइडोल मिल जाएगा। ओके, तो ये है आइडोल का बिल्डिंग। तो आइडोल का जो बिल्डिंग है उसका एंट्रेंस आप देख सकते हो, तो एंट्रेंस ये देख सकते हो। तो जब आपका रेगुलर क्लास बंद हो गए तो आइडोल खुला रहता है एक्चुअली। तो दोस्तों, आप सभी को मैं अभी दिखाने वाला हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का SBI ब्रांच। तो यूनिवर्सिटी के अंदर SBI ब्रांच भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ATM तो है ही है, प्लस SBI बैंक भी है। तो ये जस्ट आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के मार्केट के पास में है, तो आप देख सकते हो ये, और गूगल मैप में भी मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। और ये SBI के पास ही और एक बड़ा आपका ऑफिस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, आप सभी को वही दिखाता हूँ अभी। सो आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इंडियन पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिल जाता है जस्ट SBI के पास ही। तो SBI के पास में ही आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना कुछ भी लेटर हो या डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं सेंड करना है तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस यूनिवर्सिटी में सब सुख सुविधाएं हैं, आपको अगर यूनिवर्सिटी में सीट मिल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आजकल, इतना आसान भी नहीं है यूनिवर्सिटी में सीट मिलना, एंट्रेंस होता है, आप सभी डिजर्विंग होना पड़ेगा आप सभी को, तभी आपको यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगा। तो अगर आपको मिलता है तो देन यू आर वन ऑफ द लकी स्टूडेंट एंड डिजर्विंग स्टूडेंट। और इन्जॉय कीजिए यूनिवर्सिटी आने के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट कुछ और ही होता है। आप सभी को अभी मैं मार्केट प्लेस दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का, जहाँ सब कुछ मिलता है, और यहाँ पर स्टूडेंट का टैलेंट भी दिखाने वाला हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी में टैलेंट का कमी नहीं है, एक्चुअली ये इलीगल है, बट कौन करके गया है किसी को भी पता नहीं, ये किसका काम है देख सकते हो, कितना बड़ा पेड़ काट दिया, और एक मतलब कि चौंकाने वाली बात है एक्चुअली, ये जो पेड़ दिख रहा है हमें यूनिवर्सिटी का, ज़्यादातर पेड़ दिखने में ऐसा ही होता है। तो कोई पेड़ काटा होगा तो किसी स्टूडेंट ने देखने के बाद स्टूडेंट ने ये आर्ट कर दिया। अरे ये देखिए ये क्या है और एक चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए, ये जैसे भी जो कि ख़राब हो रखा है, ये कौन है बताइए, ये कौन आदमी है बताइए, ये कौन है, इतना फेमस है नॉर्थ ईस्ट आसाम तक पहुंच गया, ये कौन है, और ये कौन है ये बताइए, सब ने देखा होगा बचपन में, जो कि 90s में जन्म पाए हैं, 90s किड को पता होगा ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, है ये, देखिए ये है यूनिवर्सिटी का मार्केट। यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट में ही ये एक फील्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है, सब सुविधाएं है। तो ये फील्ड में आप खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप सभी को कभी दिन डिटेल्स में दिखाएंगे फील्ड्स कितने सारे हैं, हॉस्टल कितने सारे हैं,
ये सब दिखाते रहेंगे तो आप सभी को मेन मेन जो बिल्डिंग्स है जहाँ पर काम होते हैं, डिपार्टमेंट है, वो सब नहीं दिखा पाऊँगा। तो एक दिन डेडिकेटेड हॉस्टल का भी वीडियो बनाने वाले हैं। ये देख सकते हो, ये शिव बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है यहाँ पर मार्केट के पास में ही। यहाँ पर है शिवलिंग। तो कोई भी अगर आते हो तो यहाँ पर विजिट करके जाना। जय शिव बाबा। ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल। तो आप अगर आपको तो अगर ये यूनिवर्सिटी में आप सभी को एडमिशन मिल गया तो यहाँ पर आपको अगर चोट लग गई या बीमार पड़ गए तो यही हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। यह गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हम देख सकते हो। गेट भी दिखाते हैं आप सभी को। ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एम्बुलेंस, दो दो एम्बुलेंस है। आपको एम्बुलेंस का नंबर अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए मेरा। और ये है हॉस्पिटल के पास में बास्केटबॉल कोर्ट, जो बास्केटबॉल के शौकीन हैं यहाँ आकर खेल सकते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है। ये है न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, ठीक है। तो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ आप सभी को। सो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जो कि ग्राउंड फ्लोर में है, और फर्स्ट फ्लोर में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, और सेकेंड फ्लोर में है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और आपको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और लास्ट में आपको मिलेगा सेमिनार हॉल जो कि एकदम टॉप फ्लोर में है। और GUIST भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस भी कंसिस्ट करता है। आप सभी को दिखाएंगे अभी GUIST का बिल्डिंग। तो एकेडमिक, न्यू एकेडमिक ब्लॉक के बाद नेक्स्ट जो बिल्डिंग आने वाला है वो है GUIST बिल्डिंग, जहाँ पर BTEC के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है जो आप सभी को पता ही है, JEE। तो JEE देने के बाद आपको आपका एंट्रेंस का रिज़ल्ट बताएगा आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो ये है GUIST। तो ये बेसिकली BTEC के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ। और यहाँ रिसर्च PG भी चलता है, MTEC। और यहाँ पर जो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है ये देख सकते हैं। तो MCA आप कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, MTEC भी कर सकते हो यहाँ पर। तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए, दोज हु आर फॉरेन स्टूडेंट एंड वांट टू विजिट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे हेयर बिकॉज देयर इज़ ए स्पेशल फैसिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू। देयर इज़ ए गेस्ट हाउस एंड लग्जरियस गेस्ट हाउस इज़ देयर, सो डू कम टू आवर यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ आवर गेस्ट हाउस, ओके। सो दिस इज़ ए गेस्ट हाउस। तो ये गेस्ट हाउस आपका सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट के लिए नहीं, ये गेस्ट हाउस सिर्फ आपका फॉरेन स्टूडेंट के लिए नहीं, वैसे जो बाहर से आते हैं ऑफिशियली यूनिवर्सिटी रिलेटेड काम के लिए तो यहाँ रह सकते हो, परमिशन चाहिए। मगर यही गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, ओके।
है जालुकबारी। आप सभी को कहीं भी आप गुवाहाटी में उतरते हो या एयरपोर्ट से डायरेक्ट आते हो तो आपको जालुकबारी तक आना पड़ेगा। ये जालुकबारी ब्रिज जो दिखने को मिल रहा है आपको, जालुकबारी ब्रिज से चल के यहाँ तक आना पड़ेगा। ये जगह है डॉक्टर भूपेन हजारिका समाधि, सो यहाँ तक आना पड़ेगा और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आपको एंटर करना है। तो पास आने के बाद आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ये मेन गेट मिलेगा। सो जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मेन गेट जो कि 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारे हुए हैं। ये गेट भी जो गेट देख रहे हो उसका फाउंडेशन तो बहुत पुराना है बट ये नया गेट है। तो आप देख सकते हो ये है इन का रास्ता, वहाँ से आउट होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आपको सिक्योरिटी मिलेगा ही मिलेगा, तो ये फैसिलिटी अच्छा है और डरने की कोई बात नहीं है। पास में ही आपको पुलिस स्टेशन मिलेगा, जालुकबारी पुलिस स्टेशन। तो ये है जालुकबारी, जालुकबारी से आकर आपको डॉक्टर भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र में आना है और यह है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मेन गेट। सो जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोग के लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा फैसिलिटी रखा हुआ है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ क्वार्टर्स तो अवेलेबल होते हैं टीचर्स के लिए भी, ऑफिसर के लिए भी, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम उन लोग के लिए। प्लस यहाँ वाटर सप्लाई प्लांट भी है, जीव बायोडाइवर्सिटी सेंटर भी है, एक्वा कल्चर और बायोडाइवर्सिटी सेंटर। और जो यहाँ में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर जीयू मॉडल स्कूल भी है जो कि इंग्लिश और असमिस दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है वो स्कूल में। और यहाँ जीयू चिल्ड्रेन पार्क भी है और प्लेग्राउंड भी है जो कि आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो यूनिवर्सिटी में सब कुछ ही है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो चलिए इस तरफ इवन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आप सभी को यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी मिलेगा। ये देखिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही देखने को मिलेगा। पहले तो आप सभी को मैं यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स दिखा लेता हूँ, अब उसके बाद हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। तो आप सभी को मैंने दिखाया था पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम और ये है पंजाब नेशनल बैंक का और ये है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक ये आसाम टाइप बनाया गया है, पहले ये इंडियन बैंक था, तो अभी पीएनबी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी के ऑपोजिट में ये टीचर्स क्वार्टर है, तो क्वार्टर्स दिखाते हैं आप सभी को। ये सारा कैंपस आप आपका जीयू के जितने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने फैकल्टीज है उनका क्वार्टर्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सब मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह के टाइम। यह है भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र का बैक साइड। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कई सारी गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो ये है गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस जो कि क्लोज रहता है पूरी तरह से। क्लोज मतलब कि आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छा मिलेगा, डबल गेट है यहाँ पर, कोई एंटर नहीं कर सकता, कोई लड़का एंटर नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन। तो यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल है, आसाम टाइप भी है और आरसीसी भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो
तो ये कैंपस जो है, ये कैंपस के अंदर शायद 10 से 12 हॉस्टल मिल जाएंगे आप सभी को। तो अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, आप कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बहनों को। के पास में है फॉर पीजी स्टूडेंट एंड बीटेक स्टूडेंट आरसीसी 2 बॉयज़ हॉस्टल। ओके, तो ये है आरसीसी 2 बॉयज़ हॉस्टल। यह है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मास कॉम का है, जो कि पहले ये था डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। और इस तरफ भी आपको हॉस्टल देखने को मिलेगा, यह आगे की तरफ, यह भी हॉस्टल है। और इस अंदर में जाने से, इस रास्ते में जाने से आपको बीटेक के जितने डिपार्टमेंट है सब मिल जाएंगे। बहुत अंदर है, मेरा पावर नहीं, कोई और दिन लेके जाएंगे आप सभी को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ पर आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय ये सब मिल जाती है। तो ये देख सकते हो। और यहाँ पर और एक कैंटीन है, जियो आर्ट्स कैंटीन। तो ये है जियो आर्ट्स कैंटीन, देख सकते हो आप। और उसी के पास में है बीकेबी हॉल, जो कि ऐसा माना जाता है हमारे पूरे गुवाहाटी में सबसे बड़ा हॉल जो है ये बीकेबी हॉल है, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में स्थापित है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, जब मैं मास्टर्स कर रहा था तभी बनाया गया था। और इसी के पास में है ये आर्ट्स बिल्डिंग, ओल्ड आर्ट्स बिल्डिंग। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और LLB का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, लॉ का डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़ कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कुछ चीज़ मैंने दिखाया नहीं है या दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। किसी और दिन किसी और वीडियो में दिखा देंगे, जैसा कि बॉटनिकल गार्डन था वो भी नहीं दिखाया, बहुत सारे हॉस्टल्स वो भी नहीं दिखाए। हॉस्टल बहुत प्रकार के होते हैं, सिंगल सीटर हॉस्टल, डबल सीटर हॉस्टल, तो वो सब नहीं दिखाया। तो आप सभी को इस तरह की वीडियो अगर देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए, जिसको ये वीडियो का दरकार है उसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।